नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। आज 18 मई है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है, वो है बाबा मिल गए हैं, लेकिन अब उससे आगे और क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चल रहा है, कोर्ट में क्या स्टेटस है। दोस्तों, इस बारे में बहुत सारी जानकारी है मेरे पास आपके लिए। आप पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो भी देखिएगा। तो सबसे पहले जो खबर है वो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट में बुधवार यानी कि आज सुनवाई होने वाली थी, जो टल गई। वजह भी लगभग आप लोगों को पता ही होगी, वकीलों की हड़ताल चल रही है, उन्होंने हड़ताल की है और अब ये पूरा जो मामला है इसमें सुनवाई कल होगी। लेकिन तथ्य अभी भी अपने सवालों के जवाब मांग रहे हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर एक और सर्वे की डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है। मसलन, अगर फवारा है तो उसको चलाकर दिखाएं। हिंदू पक्ष के दूसरे वकील विष्णु जैन ने ये कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले जो शिवलिंग हैं उनको, उनका जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि फवारा है, यानी कि शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फवारा है। अगर फवारा है, मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो वो फवारा चला करके दिखाएं, और फवारा है तो वहाँ वाटर सप्लाई का भी पूरा सिस्टम होना चाहिए। ऐसे में प्रतिवादी पक्ष को जांच में एतराज क्यों है? उन्होंने ये भी दावा किया है कि नंदी महाराज के सामने से व्यास जी के कक्ष से शिवलिंग तक का रास्ता जाता है, अदालत से वहां खुदाई करने की मांग की गई है। और विष्णु जैन ने यह भी कहा है कि माहौल अच्छा बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की नहीं है, यानी कि माहौल को अच्छा बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो केवल हिंदू पक्ष की नहीं है, सभी पक्षों की है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की भी है। वादी महिलाओं ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया है और एक बार फिर से ज्ञानवापी सर्वे की मांग की है। हिंदू पक्ष यानी कि माँ श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक बार फिर से ज्ञानवापी में सर्वे की मांग की है। ज्ञानवापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराने सहित 4 पॉइंट पे एप्लीकेशन दी गई है। हालांकि वकीलों की हड़ताल के चलते अब तक इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। ये सुनवाई संभवतः कल होगी और सुनवाई से पहले ही वकील चूंकि हड़ताल पे चले गए हैं इसलिए सुनवाई भी टली है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के मामले में आज सुनवाई से पहले ही वकील चूंकि हड़ताल पे चले गए तो इसलिए पूरे मामले में अभी फिलहाल स्थिति वैसी ही बनी हुई है। लेकिन हाँ, सवाल बहुत सारे हैं जो उस परिसर के आसपास चल रहे हैं। अच्छा, जो पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि सील होने के बाद की समस्या दूर की जाए। जैसे कि ज्ञानवापी मामले में यूपी सरकार की ओर से वाराणसी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में एक एप्लीकेशन दी है। इसमें 3 मांगे की है। ज्ञानवापी मस्जिद स्थित जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है, उसके चारों तरफ पाइपलाइन और नल है। उस नल का उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं। तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों को वजू के लिए बाहर की व्यवस्था की जाए, यानी कि उनके वजू में कोई बाधा ना आए। ज्ञानवापी के सील हुए क्षेत्र में एक शौचालय भी है, उसका उपयोग नमाजी करते हैं। अब उन्हें वहां जाने के लिए मना किया जा रहा है, उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसे में उसकी भी व्यवस्था की जाए। सील किए गए तालाब में कुछ मछलियाँ भी हैं, ऐसे में उन्हें खाने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए। दूसरी एप्लीकेशन में है कि कुछ दीवारें गिरा करके वीडियोग्राफी हो। हिंदू पक्ष यानी माँ श्रृंगार गौरी के मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से एक बार फिर से ज्ञानवापी में नए सर्वे की मांग की है। ज्ञानवापी परिसर की कुछ दीवारों को गिराने सहित 4 पॉइंट्स पे एप्लीकेशन दी गई है। ज्ञानवापी में जहां शिवलिंग मिला है
वहां और उसके आसपास कोई वजू ना करे। शिवलिंग के पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार के साथ ही नंदी के उत्तर दिशा की दीवार को तोड़ करके वहां से मलबा हटाया जाए और शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कमीशन अपनी कार्रवाई करे। बैरिकेटिंग के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार को तोड़ करके मंडपम की भी वीडियोग्राफी कराई जाए। देखिए, ये माना जा रहा है कि इन दोनों प्रार्थना पत्र पर दोपहर बाद कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन ये आज हो नहीं सका। इस पर कल सुनवाई होगी और ज्ञानवापी मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जिला अदालत कोई निर्णय ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई को लेकर के जो सुनवाई है वो कल होगी, कल यानी कि 19 मई को। दोस्तों, एक और मेरे पास जानकारी है, मैं आज शाम को उस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ कि जो शिवलिंग आज चर्चा का विषय बना हुआ है वो शिवलिंग पन्ने का बना हुआ है, इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र है। तो अब जो कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो सबसे बड़े सवाल हैं वो मैंने आपके सामने रखे, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और शाम को जो शिवलिंग से जुड़ी हुई जानकारी है कि वो पन्ने का बना हुआ है, उसमें इतिहासकार क्या कहते हैं, उस वीडियो को आप लाइव देखना ना भूलें। एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक समय से पहुँच सके, और अपनी राय ज़रूर देते रहिए मुझे। फिलहाल इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।